हमारा जो नेक्स्ट रूल है अबाउट नंबर इज कि अगर हमारे पास कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया था वो वर्ड्स जो दो नाउन को जोड़ के बना हो, ठीक है। अगर कोई वर्ड कंपाउंड नाउन में हो और उसे हमें प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके मेन पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। अगर हमारा कोई वर्ड है और उसको हमें सिंगुलर से प्लूरल में बनाना है तो हम उसके मेन पार्ट के साथ एस ऐड करेंगे और उसको प्लूरल बना देंगे। लाइक ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉज नहीं करेंगे हम। ब्रदर्स, हमारा ब्रदर मेन क्या है, मेन पार्ट है ब्रदर, है ना, तो मेन पार्ट को हम प्लूरल में करेंगे। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय, ठीक है। लाइक स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ओके। मेड सर्वेंट, मेड तो मेड है, कॉमन है, मेन प्लूरल किसको बनाएंगे, सर्वेंट को, तो सर्वेंट्स को करना, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारे दोनों पार्ट हैं वो ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम दोनों के साथ एस लगाएंगे और उनको क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। लाइक लॉर्ड जस्टिस, तो क्या होगा, लॉर्ड का लॉर्ड्स बना सकते हैं हम, ऑफकोर्स बना सकते हैं, तो उनका लॉर्ड्स बना दिया। उसके बाद जस्टिस का जस्टिस कर सकते हैं हम, तो उसके साथ भी एस लगा दिया, ओके, लॉर्ड जस्टिस। मैन सर्वेंट, मैन का मैन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो कर दिया। सर्वेंट का ऑफकोर्स प्लूरल बना सकते हैं, तो सर्वेंट्स बना दिया। जहाँ पे दोनों का प्लूरल बना सकते हैं, बना सकते हैं। वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट हो गया, सर्वेंट्स, लाइक करेक्ट। और कई वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे रूल नंबर 8 कहता है कि बिसाइड एडिंग एस ओनली एट द एंड एंड गेट इट डन फॉर फ्यूज। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको क्या है, कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड के अंदर सिर्फ एस ऐड करके हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। लाइक बुक शेल्फ, बुक शेल्फ क्या होते हैं, एक चीज़ है जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक के एंड में ही हम एस या ई एस या वी ई एस ऐड करके हम इसको प्लूरल बना देंगे, ठीक है। लेकिन बुक्स शेल्फ्स नहीं करेंगे हम इसको, बुक शेल्फ्स। अब एफ है, एफ को काटो, एफ की जगह हमारा रूल क्या है, वी लगाना है और साथ में ई एस लगाना है, तो ठीक है, तो बुक शेल्फ्स हो गया, करेक्ट। सेम एज बुक केस, तो क्या हो जाएगा, बुक केसेस हो जाएगा। मेजर जनरल, मेजर जनरल्स हो जाएगा। पोएट ल्यूरेट, पोएट ल्यूरेट्स हो जाएगा। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स हो जाएगा, ओके। नाउ रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है, सम सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स हम उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं यूज कर सकते, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। लाइक फर्नीचर, तो इनको एज इट इज ही यूज करेंगे, फर्नीचर, सीनरी, इश्यू, ब्रेड, मिल्क, एक्सपेंडिचर, लव, हेट, ये ऐसी चीज है ना, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होता, नाउन तो है बट इनका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, वी कांट काउंट ना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम, ओके। रूल नंबर 9 कहता है कि इसी के ऑपोजिट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी होती क्या है, सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होती है, उनकी सिंगुलर नहीं होती है हमारे पास, ठीक है, तो वो वैसे ही यूज होंगे, जैसे कि मम्प्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है, स्पेक्टेकल्स, असेट्स, ठीक है। रूल नंबर 10, कुछ वर्ड्स होते हैं जो लगते हमें सिंगुलर हैं बट सिंगुलर होते नहीं है, लाइक कलेक्टिव नाउन, ठीक है, दिखने में हमें क्या है, वो सिंगुलर लग रहे हैं बट सिंगुलर होते नहीं है, दे यूज्ड एज प्लूरल, ठीक है। लाइक गवर्नमेंट, एक इंसान से तो बनी नहीं है, गवर्नमेंट इज अ कलेक्टिव नाउन जिसमें बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। पीजेंट्री, पीपल, कैटल, मैनकाइंड, एटसेट्रा, ठीक है। This is all about number. ये हमारा इतना सा ही पोर्शन रह गया था। सो इस वीडियो में हमने, इस रिकॉर्डिंग में हमने ये क्लियर कर लिया है। होप आपको क्लियर है। इफ यस देन शो मी थम्स अप।